और बाराबंकी से मौजूदा भाजपा सांसद उपेंद्र सिंह रावत ने आपत्तिजनक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के मामले में अपनी प्रतिक्रिया दी है। वीडियो संदेश और सोशल मीडिया एक्स पर अपनी प्रतिक्रिया जारी करते हुए सांसद उपेंद्र सिंह रावत ने कहा कि वायरल वीडियो एडिटेड है। उन्होंने इससे डीप फेक एआई तकनीक द्वारा जनरेटेड वीडियो बताया, जिसको लेकर मुकदमा भी दर्ज करा दिया गया। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। सांसद ने कहा कि उन्होंने भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष से वायरल वीडियो की जांच करवाने का निवेदन किया। साथ ही उन्होंने निर्दोष साबित होने तक सार्वजनिक जीवन में कोई चुनाव न लड़ने का भी ऐलान किया है। उपेंद्र रावत बाराबंकी लोकसभा सीट से मौजूदा भाजपा सांसद और पहली लिस्ट में भाजपा ने उपेंद्र सिंह रावत को यहां से दोबारा टिकट भी दिया है। प्रमुख राजनीतिक विरोधियों के द्वारा मेरा एक एडिटेड वीडियो वायरल किया जा रहा है, जो मेरी छवि को धूमिल करने के लिए ऐसा किया गया है। ये वे लोग हैं जो राजनीति में बिल्कुल अलग थलग हो गए हैं, किनारे हो गए हैं। दोबारा मुझे टिकट मिलना उनको गंवारा नहीं था, इसलिए ये जो है एडिटेड वीडियो वायरल किया गया है। और ये एआई तकनीक से डीप फेक तकनीक के द्वारा ये बनाया गया है। कभी किसी का पुराना वीडियो उस पर चेहरा मेरा लगाया गया है, ये आई तकनीक का कमाल है। मैंने इसके लिए एफआईआर भी दर्ज करा दी है, जांच चल रही है। जिन लोगों ने ये घिनौना कृत्य किया है उनके खिलाफ कार्यवाही जरूर होगी।